प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी आज इस समय, चंगाई की प्रार्थना, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि हमारे घरों में या हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिसके कारण हम परेशान रहते हैं या कहीं ना कहीं हमारा विश्वास डगमगा जाता है। तो मेरे प्रियो, आप मत डरिए, क्योंकि वो परमेश्वर हमें भला चंगा करने के लिए ही क्रूस पर चढ़ा है। और एक बार फिर आप इस प्रार्थना के साथ, आप मेरे साथ प्रार्थना करिए मिलकर, क्योंकि एक मन के प्रार्थना के द्वारा बहुत अद्भुत कार्य होता है। और आप विश्वास से इस प्रार्थना को ग्रहण कीजिए, और जो भी बंधन है आपके शरीर में, आज परमेश्वर आपको चंगाई देने जा रहे हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसके किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़े के नाई फांदोगे और कूदोगे। परमेश्वर का वायदा है कि वो तुम्हें आज भला चंगा करेगा, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि यहोवा ही है जो तुम्हें संभालेगा। हर बीमारियों से, हर रोगों से आज वो तुम्हें निकाल लेगा, उसका वायदा है। आओ मेरे पिता प्रभु यीशु, आज मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक लोगों के लिए प्रभु जी, इस समय प्रभु, जो लोग प्रभु जी बीमारियों में पड़े हैं मेरे खुदा, लोगों के जीवन में प्रभु नाना प्रकार की बीमारियां प्रभु, शायद वो दुखी आ चुके अपने जीवन से प्रभु, उन्हें कहीं से भी प्रभु छुटकारा नहीं मिल रहा है उन बीमारियों से प्रभु जी। तो आज अपने हाथों को बढ़ाइए मेरे यहोवा, इस प्रार्थना के द्वारा आज हर कोई प्रभु जी भला चंगा होने पाए। किसी प्रकार की भी बीमारी है प्रभु, चाहे वो कोल्ड एंड कफ है प्रभु, जो शायद प्रभु एक हफ्ते, दो हफ्ते, महीनों से प्रभु खांसी ठीक नहीं हो रहा, मेरे यहोवा अपने हाथों को बढ़ा और अपने बच्चों को चंगाई दे मेरे खुदा। ओ प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने के द्वारा रोगी चंगे होते हैं प्रभु जी, और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उस गड्ढे से आप उन्हें निकाल लेते हैं प्रभु। और इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ बहुत सारे लोगों को जो फीवर हो रहा है प्रभु, बुखार के कारण प्रभु जी, ओ उनका शरीर सुस्त पड़ गया मेरे खुदा, कमजोरी आ गई है मेरे यहोवा, तो आज सारा बुखार उतरने पाए, उनके शरीर को छोड़कर निकलने पाए प्रभु जी। आप भला चंगा करिए, भला चंगा करिए, भला चंगा करिए मेरे यहोवा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु। और इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु, हर एक लोगों के लिए प्रभु, हर एक उन लोगों के लिए प्रभु जो शायद हॉस्पिटल में है प्रभु जी, ओ प्रभु, ओ प्रभु यीशु, उनका शरीर प्रभु जी बीमारी के कारण उठ नहीं पा रहा है प्रभु, कमजोरी के कारण उठ नहीं पा रहा है प्रभु जी, बलहीनता में है परमेश्वर, आज अपने धर्म में हाथों को बढ़ाकर अपने लोगों को चंगाई दीजिए। हर एक लोग जो वेंटिलेटर पे है प्रभु, वो चंगाई को पाने पाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। ओ प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है जब वह व्याधि के मारे सेज पर पड़ा हो तब यहोवा उसे संभालेगा, तो रोग में से उसके पूरे बिछौने को पलट कर ठीक करने वाला परमेश्वर है। तो आज अपने बच्चे के प्रभु जी हर प्रकार के रोगों को आप उन्हें भला चंगा करिए, और वो भले चंगे होकर अपने घर वापस आने पाए और आपको महिमा देने पाए प्रभु जी। और मैं हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो नाना बीमारियों से घिरे हुए प्रभु जी, चाहे वो शुगर हो प्रभु जी, चाहे वो बीपी की प्रॉब्लम हो प्रभु जी, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम हो प्रभु जी, ओ मेरे यहोवा, थायराइड की प्रॉब्लम हो, यीशु नासरी के नाम से हर एक प्रकार की बीमारी आज इस शरीर से छोड़कर उन्हें निकले। और आज आपके बच्चे, आपके बेटे, बेटी, बच्चे, जवान, बूढ़े आजाद होने पाए हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगों से। ओ यहोवा, अपने हाथों को बढ़ा और चंगाई को दे। ओ प्रभु, डिप्रेशन की चीजें प्रभु जो आती है मेरे खुदा, नींद नहीं आती है लोगों को प्रभु जी, सारी सारी रात प्रभु मेरे यहोवा वो जागते हैं, करवटे बदलते हैं परमेश्वर। तो आज ऐसे लोगों को जीवन से हर प्रकार की चिंताओं को दूर करिए, हर प्रकार की डिप्रेशन को दूर कर मेरे खुदा। ओ प्रभु यीशु, ओ मेरे
मेरे यहोवा, आज इस प्रार्थना के द्वारा एक बड़ा अद्भुत कार्य हो। धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा सब कुछ होता है प्रभु जी। ओ वचन कहता है मेरे यहोवा, जब तू प्रार्थना करेगा तब वो हो जाएगा। और मैं विश्वास से इस प्रार्थना को मांगती हूँ अपने लोगों के लिए परमेश्वर, आज एक बड़ा अद्भुत कार्य हो और इस प्रार्थना के द्वारा बड़ा अद्भुत कार्य हो। बड़ी गवाही आने के लिए आप मदद करिए, बड़ी गवाही आने के लिए आप मदद कीजिए मेरे यहोवा। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो मेरे यहोवा। और इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ बहुत सारे लोगों को प्रभु जी, फाइल्स की दिक्कत है मेरे खुदा, हर एक फाइल्स की प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से फ्री होने पाए, दूर होने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ स्किन की एलर्जी यीशु के नाम से छोड़कर निकलने पाए आपके लोगों को प्रभु जी, यीशु नासरी के नाम से छोड़कर निकलने पाए मेरे खुदावन। और कैंसर की रोग यीशु के नाम से प्रभु हर प्रकार का कैंसर निकलने पाए, टीवी की प्रॉब्लम यीशु के नाम से भले चंगे होने पाए, क्योंकि यीशु के नाम में वो सामर्थ है, वो ताकत है जिसके द्वारा रोगी बच जाते हैं। ओ परमेश्वर आप बड़ा अद्भुत कार्य करिए। ओ अंधे बर्तिमाई को जब आपने कहा जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, ओ सुंदर फाटक के पास जो लंगड़ा बैठा था परमेश्वर, उसके विश्वास ने उसको प्रभु मदद किया चलने फिरने के लिए। ऐसा ही विश्वास आज जो ये लोग प्रार्थनाओं को सुनते हैं मेरे खुदा, प्रार्थना के द्वारा एक बड़ा अद्भुत कार्य हो, प्रार्थना के द्वारा आज घरों में चंगाई को देने जा रहे हैं प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ मेरे खुदा, घर में कोई भी बीमार हो जाए, बूढ़े बुजुर्ग बच्चे जवान सबके लिए इस प्रार्थना के द्वारा एक बड़ा अद्भुत कार्य हो, बड़ा अद्भुत कार्य हो, बड़ा अद्भुत कार्य हो प्रभु। आपने प्रार्थना को सुना, सारी प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमेन। आप लोग भी मेरे साथ मिलकर बोलिए आमेन। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष करे, इस प्रार्थना को विश्वास से सुनिए आप, और सच में प्रभु आज आपके जीवन में एक बड़ा मैरेकल करेंगे, चंगाई को देंगे, क्योंकि विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है। और इस प्रार्थना को जरूर आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर के द्वारा बहुतों के जीवन में प्रभु का कार्य होगा, प्रभु का नाम पहुंचेगा और वो चंगाई को पाएंगे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।